गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे विल बी स्टार्टिंग योर चैप्टर 2 इन हिस्ट्री फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कि कैसे कंपनी ने अपनी पावर इस्टेब्लिश की इंडिया में, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ पावरफुल मुगल रूलर्स. ही इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया. तो क्या औरंगजेब क्या था? लास्ट मुगल रूलर था जिसने के इंडिया पे राज किया था. आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार्स बिगेन एक्सर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स. जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी तो उसके बाद जो मुगल गवर्नर्स थे, सूबेदार्स और जो जमींदार्स थे, उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे रीजनल किंगडम बना लिए थे. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. और जब ये powerful होते गए, जितने भी regional centers बन रहे थे, kingdoms बन रहे थे, तो Delhi क्या है, अब एक center नहीं रहा था. By the second half of 18th century, however, a new power was emerging on political horizon. लेकिन ये क्या है, ये तो 1700 की बात है. फिर जब 18th से मतलब कि सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी था, मतलब 1750 के बाद वाला पार्ट, तो उस वक्त क्या है, एक नई पावर जो है वो हॉरिजन में आ रही थी. कौन? द ब्रिटिश. डिड यू नो दैट ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड रिलेक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज. तो जब ब्रिटिश ओरिजिनली आए थे, वो सिर्फ ट्रेड के पर्पस से आए थे. उन्होंने सोचा नहीं था और ना उनके मन में था कि हम यहाँ पर राज करेंगे. Then how did they come to be masters of vast empire? फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पूरे एम्पायर को acquire कर लिया? ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. East India Company comes east. In 1600, East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting its sole right to trade with East. 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ वन ने ये राइट दिया था, हक दिया था कि वो ईस्ट में जाकर ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं. दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी. और इसका ये मतलब था कि इंग्लैंड में और बाकी जितने भी ट्रेडिंग ग्रुप्स थे, वो इसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे. With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at cheap price. तो क्या है, अब ये इस charter के according ये East India Company जो थी, वो ocean के through different lands को ढूंढ सकती थी और जहाँ पर उनको सस्ते goods मिले, cheap goods मिले, मतलब सस्ता सामान मिले, and carry them back to Europe to sell at higher price. और फिर वो उसे यूरोप में जाके हायर प्राइस पे बेच सकते थे. द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज. और इस चार्टर की वजह से अब उन्हें किसी और कंपनी से कंपटीशन का डर भी नहीं था. मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर. तो वो कहते हैं कि इस तरह की मर्सेंटाइल कंपनी, मतलब कि जो मर्चेंट्स होते थे, उनकी जो कंपनीज थी उस टाइम पे ऐसे ही प्रॉफिट कमाती थी कि अपना हक ले लेती थी कि हाँ, यहाँ पर सिर्फ अब हम ही ट्रेड करेंगे और कोई ट्रेड नहीं कर सकता. और क्या करते थे वो, कि चीप सामान खरीदते थे, मतलब सस्ते में खरीदते थे, एंड सेल डियर मतलब महंगा बेचते थे. द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग ईस्टर्न मार्केट. लेकिन इस रॉयल चार्टर के अकॉर्डिंग दूसरी जो यूरोपियन पावर्स थी, वो ऐसा नहीं था कि वो नहीं जा सकती थी, वो जा सकती थी. बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशियन द पुर्तगीज हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा. जब तक ये कंपनी सेल करके आई इंडियन ओशियन की तरफ, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो पुर्तगीज़ थे वहाँ पे ऑलरेडी वो लोग अपना बिजनेस कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे. उनका बेस कहाँ था पुर्तगीज़ का? गोवा में, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, गोवा. इनफैक्ट इट वाज वास्को डी गामा, पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498.
और ये रूट किसने ढूंढा था, एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर ने ढूंढा था, नाम क्या था, वास्को डेगामा, ठीक है, और कब ढूंढा था, 1498 में। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच वर टू एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशन, और जब अर्ली 17th सेंचुरी में क्या है, डच भी अपना रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसे वो इंडियन ओशन में, मतलब कि जो कंट्रीज हैं इंडियन ओशन में वहाँ पर अपना काम कर सकें, फैला सकें काम। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव ऑन द सीन, और उसके बाद क्या है, फ्रेंच आए, तो कैसे कैसे आए, पहले पुर्तगीज़ आए, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए, और उसके बाद ब्रिटिश आए। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग, द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। अब क्या था कि सभी कंपनीज को एक ही चीज़ खरीदनी थी, कॉटन और सिल्क, जो इंडिया में बनता था वो बहुत फाइन क्वालिटी का था और उसका बहुत बड़ा मार्केट था यूरोप में। पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमम टू वर इन ग्रेट डिमांड, और जो ये मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, इनका भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड, और क्या है कि जो कंपटीशन था यूरोपियन कंपनीज़ में, उसकी वजह से इन गुड्स का प्राइजेज हायर रेट पे, मतलब इनको ख़रीदा जाता था। दिस रिड्यूस द प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्न, तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गए। अब एक सामान है, अब आप एक शॉप पे जाते हो और आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, और कोई और भी आ जाता है कि मुझे चाहिए, तो दुकान वाला किसको देगा, जो ज़्यादा पैसे देगा। तो क्या है, उन लोगों का कॉम्पिटिशन बढ़ गया और उसी सामान को ख़रीदने के लिए जो ज़्यादा पैसे दे रहा था उसे सामान मिल रहा था, तो उनका प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो रहा था। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स, द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन ट्रेडिंग कंपनीज। अब अगर हमें कहते हैं उन्हें वहाँ पर अपना कहते हैं ट्रेडिंग कंपनी बहुत अच्छे से चलानी थी, अपना ट्रेड करना था, बिजनेस करना था, तो उसके लिए उनको क्या ज़रूरी था, राइवल्स को वहाँ से हटाना, ठीक है, एंड उसके लिए क्या था, उन लोगों में आपस में बिजनेस में लड़ाई होती रहती थी। थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरीज दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स, ब्लॉकेडेड रूट्स एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स। तो वो क्या करते थे, जब 17th और 18th सेंचुरी का टाइम था, तो अपना कंपटीशन कम करने के लिए दूसरे कितने ट्रेडिंग कंपनी के शिप्स डुबा देते थे, उनका रास्ता बदल देते थे, और या फिर उन्हें कैसी ना किसी तरह से रोक देते थे कि वो अपना सामान ले जा ही ना सकें। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन, और अब ट्रेड जो है वो आर्म्स से प्रोटेक्ट किया जाने लगा, मतलब कि पहले तो सिर्फ जाते थे सामान लेके आते थे, अब इतना कंपटीशन था कि उन लोगों ने एक तरह से अपने वहाँ पे साथ में आर्मी भी रखते थे, आर्म्ड लोग, मतलब कि जैसे गोली बंदूक वगैरह ये सब साथ में रखते थे। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंक्रीज इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स, द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो क्या हुआ कि अब जब ऐसे रहता था, इतनी प्रॉब्लम होती थी, जो वहाँ के लोग थे, लोकल ट्रेडर्स थे, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप हुई थी, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, और कब हुई थी, 1651 में। This was the base from which the company's traders known at the time as factors. और जो ये this was the base from which company's traders known at the time as factors operated. तो ये वो जगह थी, ये उनका बेस था। क्या था बेस, बैंक ऑफ रिवर हुगली, ये उनका बेस था कंपनी का, और इनको वो क्या कह, ये कंपनी के जो ट्रेडर्स थे उनको क्या कहा जाता था, फैक्टर्स। The factory had a warehouse where goods for export were stored and it had offices where company officials sat. तो वहाँ पे उन्होंने अपना फैक्ट्री का एक warehouse, मतलब कि जैसे गोडाउन होता है, वो डाला, ऑफिस डाला, वहीं पर ऑफिस के लोग बैठते थे। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near factory. जैसे जैसे उनका काम बढ़ रहा था, तो कंपनी ने मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को बोला कि वो फैक्ट्री के आसपास आकर ही रहें।
In 1696 it began building a fort around the settlement. और 1696 में कंपनी ने क्या किया, एक फोर्ट बनाना शुरू किया उस सेटलमेंट के आसपास. 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages. और फिर उन्होंने 2 साल बाद जो मुगल ऑफिशियल्स थे उनको क्या दी है, रिश्वत दी. ब्राइब मतलब रिश्वत देना, रिश्वत दी कि उनको 3 villages के ऊपर जमींदारी के राइट्स दिए जाएं. वन ऑफ दीज वॉज कलिकाता विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता. ठीक है, तो इनमें से एक गांव कौन सा था, कलिकाता, जो आज की डेट में क्या कहलाता है, कोलकाता. इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. अब क्या हुआ, इन्होंने जो औरंगजेब था उसको परसुएड किया कि तुम एक फरमान जारी करो, मतलब कि एक नोटिस, एक लेटर जारी करो जिसमें लिखा होगा कि हमें अपना ट्रेड करने के लिए कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. द कंपनी ट्राइड कॉन्टीन्यूअसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस. और कंपनी का है फिर धीरे धीरे करके और उनकी इच्छाएँ बढ़ती जा रही थी कि हाँ और कंसेशन मिले और प्रिविलेजेस मिले. औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी. तो क्या था, औरंगजेब के इस फरमान के हिसाब से जो कंपनी थी उसको ड्यूटी फ्री किया गया था उसके ट्रेड को, लेकिन अगर ऑफिशियल्स अपना अलग से कुछ ट्रेड करते थे तो उनको वो ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, टैक्स पे करना पड़ता था. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. और इसकी वजह से मतलब उन लोगों ने क्या किया कि मना कर दिया कि नहीं हम भी नहीं देंगे, तो उसकी वजह से बंगाल के रेवेन्यू को बहुत नुकसान हुआ. How could the Nawab of Bengal, Murshid Kuli Khan, not protest? और ऐसा हो रहा हो कि नुकसान हो रहा हो और वहाँ का नवाब वहाँ उससे प्रोटेस्ट ना करे, उनके खिलाफ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स. ये आप अभी तक मैंने जितने पेजेस पढ़ाए हैं 3 pages वो रीड कर लेना, और ये नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना ही.